जबलपुर में होगा ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। सोशल मीडिया पर सामने आई शरद पवार की आपत्तिजनक तस्वीर, शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर। सुनवाई के दौरान कोर्ट से मुख्तार अंसारी की मांग, जेल में मुहैया कराई जाए टीवी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा दावा, एलएनजेपी अस्पताल में सबसे ज्यादा कोविड मरीजों का हुआ इलाज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। आज पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 58.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर की रफ्तार पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं घरेलू बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 4 मई के बाद से आज 32वीं बार तेल की कीमतों में इस तरीके से इजाफा हुआ है, जिसके बाद से जनता बेहाल है और जनता इस वक्त महंगाई की मार झेलने पर मजबूर है। तो इस वक्त पेट्रोल और कीमतों की दामों में इस वक्त भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज आपको बता दें कि 32वीं बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कई जगहों पर इस वक्त पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुँच चुका है, वहीं डीजल भी अपना शतक पूरा करने के करीब पहुँच चुका है। ऐसे में महंगाई की वजह से आम जनता त्रस्त है। जनता की लगातार मांग है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत प्रदान करे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से आज पेट्रोल और डीजलों की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, आज एक बार फिर से महंगाई में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि पेट्रोल में इस वक्त 35 पैसे प्रति लीटर की महंगाई दर्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर अनुष्का, लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे मई की बात करें चाहे जून की बात करें, लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होता जा रहा है वो इस महीने के आखिरी दौर में भी लगातार बढ़ रहा है। कल ही हमने देखा था कि तरह से वित्त मंत्री ने एक राहत पैकेज की ऐलान किया था, उसके बाद ये माना जाता है कि थोड़ा बहुत जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें भी थोड़े राहत के संकेत मिल सकते हैं। तो उसके विपरीत आज फिर से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। सूत्रों की माना जाए तो अभी ये जो इजाफा है ये अभी कुछ और दिन देखने को मिल सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की इससे नजर बनी हुई कि किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं इस पर नियंत्रण लगाया जाए, इस पर भी मंथन और विचार चल रहा है। पर अभी अगर हम आगामी कुछ दिनों की बात करेंगे तो जो कुछ आने वाले दिन है उसमें जनता को राहत की उम्मीद नहीं है। अनुष्का, महामारी के चलते जिस वजह से आर्थिक व्यवस्था लोगों की ठप पड़ी हुई थी, आपको महंगाई की मार जनता झेल रही है, वहीं अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरीके से उछाल देखा जाना, आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं? जहां एक तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को राहत मिल जाए, राहत पैकेज का भी ऐलान किया जाता है, बावजूद इसके पेट्रोल और डीजलों की कीमत में महंगाई वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? लेकिन उसका इसका पीछे जो जब उसका गया था उसका क्रूड ऑयल का प्राइस का दिया जाता है, इंटरनेशनल वैल्यूज जो होती हैं क्रूड ऑयल की उसका हवाला दिया जाता है। हालांकि अगर इस समय देखेंगे और कंपेयर करेंगे पिछले विगत कई वर्षों की, तो क्रूड ऑयल की दाम उतनी ज्यादा उछाल नहीं है। पर क्योंकि अपना इंडिया में जीएसटी कैप के अंदर नहीं आता है, अलग अलग राज्यों के अधीन होता है पेट्रोल का और डीजल का दाम, इसके चलते ही इसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। हालांकि ये विचार चल रहा है कि इसको भी जीएसटी कैप में लाया जाए और जीएसटी रिटर्न जो बेनिफिट्स होते हैं उस कंडीशन में लाया जाए, पर हालांकि अभी कुछ दिनों में ये मुमकिन नहीं लग रहा है। विचार चल रहा है, केंद्र सरकार ने राज्यों से इस पे विचार विमर्श के लिए भी मांगा है,
और माना जा रहा है कि इसमें एक बहुत जल्दी कोई कार्य योजना बना के इसके प्रस्ताव लाया जा सकता है। पर हालांकि अभी अगर जब बात करेंगे तो अभी जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी और दिन ये बढ़ने की आशंका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ सुरक्षा बल में अधिकारी और एक जवान भी घायल हुए हैं। आपको बता दें सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। इनकी तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी था और आतंकी संगठन अबरार लश्कर का टॉप कमांडर था। मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में मलहूरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि जब सुरक्षा बल गश्त के लिए निकले तभी आतंकियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हो गया। तो जम्मू कश्मीर में आज मुठभेड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। ये पूरी मुठभेड़ श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में हुई है, जहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के दो अधिकारी और एक जवान भी घायल हुए हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। तो मनीष, जम्मू कश्मीर के पारिमपोरा इलाके में मुठभेड़ देखने को मिली है जहाँ दो आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आपको बता दें कि ये देर रात ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां विगत 48 घंटे में जो दो बड़ी घटनाएं हुई थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन में आईडी का यूज करके ड्रोन का यूज करके आईडी ब्लास्ट का हो, चाहे वो एसपीओ की हत्या फयाज की हत्या करने से मामला हो, इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क थी और उन्हें जानकारी प्राप्त हुई थी कि दो आतंकवादी इस रिहायशी इलाके में छुपे हुए उन्होंने कॉम्बिंग की थी, उसके लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद पहले उनसे वार्तालाप करने की बात की गई, पर जब उन्होंने कार्रवाई की बात की गई तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में उन दोनों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अनुष्का जी, मनीष, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में लगातार कई वारदातें सामने आई हैं जहां पर ड्रोन देखे जाते हैं, उसके बाद में एसपीओ के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार की हत्या कर दी जाती है, वहीं आज एक बार फिर से इस तरीके की मुठभेड़ देखने को मिल रही है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात इतने नाजुक बने हुए हैं, इसके क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है? अनुष्का, कभी भी आप ये आज नहीं, कभी भी अगर आप इतिहास में देखेंगे तो कभी भी अगर शांति प्रक्रिया की या फिर केंद्र सरकार से वहाँ के राजनयिक कोई बातचीत होती है और उसका समाधान निकालने की, कश्मीर समाधान निकालने की बात होती है या फिर कश्मीर का वातावरण सही करने की बात होती है। अभी हमने कल ही रिपोर्ट में देखा था कि कश्मीर में जो इस समय पर्यटक है उनकी ज्यादा भीड़भाड़ हो रही है, तो वहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कई बार देखा गया है कि ऐसी कुछ चीजें भाई जाती हैं। इसकी आशंका पहले से बताई गई थी। अभी हमने देखा था जब भोपाल गठबंधन के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई थी, उसके पहले एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तुरंत बाद जब वहाँ बैठक खत्म होती है उसके बाद हमने देखा था किस तरह से एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल होता है आतंकवादी घटनाओं के लिए, फिर उसके 24 घंटे के अंदर एसपीओ फयाज को मार दिया जाता है। तो ये सब घटनाएं एकदम से बढ़ने का ये किया जाता है कि जो बैठक के दौर चल रहे हैं, जो समाधान की बात चल रही है उस पे कहीं ना कहीं रुकावट, उसके उसमें कहीं ना कहीं हो कि इस बैठक का जो मुद्दा है वो भटकाने की बात की जाती है। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है, जो घाटी में शांति का माहौल था उसको फिर से एक बार भड़काने का, वहां के माहौल को उकसाने का ये कवायद शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसी लगातार इस चीज पे नजर अपनी बनाए हुई है। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे थे, जहां पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें दो आतंकियों की मौत हो गई है।
गुपकार गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक पर चर्चा करने के लिए आज फिर मुलाकात करेंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेलीगेशन मुख्य धारा की 6 पार्टियों का गठबंधन है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की लगातार मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 24 जून को नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद गठबंधन की यह पहली बैठक होगी। गठबंधन के प्रवक्ता MY तारिगामी ने कहा है कि PAGD की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि शहर के गुपकार इलाके में गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक और गठबंधन के आगे के रास्ते पर चर्चा की जाएगी। तो आज आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर गुपकार गठबंधन के नेताओं की चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि आज ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर पे आयोजित की जाएगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 24 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुपकार संगठन की बैठक हुई थी जिसके बाद आज फिर से बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनीष, आज एक बार फिर से गुपकार गठबंधन के आपको बता सकते हैं कि बैठक आयोजित होने वाली है जहां पर बीते दिनों हुई प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई थी उसके बाद आज फिर से उस पर चर्चा की जाएगी और उसी बैठक आयोजित की जाएगी। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? अनुष्का, आपको बता दूं कि हमने देखा था किस तरीके से 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक के आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो बैठक हुई थी नई दिल्ली में। उसके बाद की जो रणनीति है, किस तरीके से जो उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे, किस चीजों को प्रधानमंत्री मोदी ने माना था, कौन कौन से मुद्दे थे जिन पे बात होनी थी और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आगामी बैठक के लिए किए जा सकते हैं, इन सब को लेके आज गुपकार गठबंधन की एक बैठक की गई है जो 11 बजे से बताया जा रहा है गुपकार के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पे बुलाया जाएगा, जिसमें महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला तरीके तमाम नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसमें आगामी रणनीति पे, आगामी जो बैठक होंगे उसके जो एजेंडे रहेंगे उसको लेके ये बैठक माना जा रहा है की जा रही है, क्योंकि गुपकार गठबंधन का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो माना गया था कि इसको पूर्ण राज का दर्जा देना, जल्द से जल्द चुनाव। और हालांकि उन्होंने 370A और 35 आर्टिकल 370A और 35A को भी हटाने की बात की थी जिसको कि तेज से खारिज कर दिया गया था। पूर्ण राज के दर्जा और चुनाव की जो मुद्दा था, जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव का, जम्मू कश्मीर में चुनाव की जो बात थी उसको लेके एजेंडा, उस पर विचार करने की बात की गई थी इस बैठक में। और वहाँ पे स्थिति कैसे सामान्य हो, कैसे जम्मू कश्मीर में जो बदहाली का दौर था उसको कैसे खुशहाली में किया जाए, इसको लेके ये बैठक बुलाई गई थी। अब उसके बाद बैठक के बाद जो कुछ निकल के आया है उसमें वहाँ की जो गुपकार के जो गठबंधन के जो नेता हैं वो बैठ के बात करेंगे, आगे की रणनीति पे चर्चा होगी, क्या नए एजेंडे रहेंगे, अगर बैठक बुलाई जाती तो क्या नए एजेंडे रहेंगे उस पर होगा, उस गुपकार रैली से क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी को, क्या केंद्र सरकार को या लेफ्टिनेंट जनरल जो गवर्नर जो है मनोज सिन्हा उनको क्या अवगत कराया जाएगा, उस चीज के लिए बैठक की जा रही है। हालांकि इस पे केंद्र सरकार की भी नजर रहेगी कि इस बैठक में कौन से नए एजेंडे आते हैं, कौन से नए प्रस्ताव बनाते हैं जो वो केंद्र सरकार को भेजेंगे। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर गुपकार गठबंधन की आज बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुपकार गठबंधन की बैठक हुई थी जिसके बाद आज फिर से फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक आयोजित होनी है जिस पर प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक और गठबंधन के आगे के रास्ते पर चर्चा की जाएगी। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सड़क पर जल जमाव की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों के जल भराव की समस्या से निजात दिलाने और शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग की है।
जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि 30 दिन में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का बीजेपी वादा करती थी, लेकिन सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क गड्ढा मुक्त नहीं की गई है। कांग्रेसियों ने कहा है कि हम सरकार को और प्रशासन को चेतावनी देते हैं, आजमगढ़ शहर की सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त नहीं किया गया और जल भराव शहर के जल जमाव से निजात नहीं दी गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। एक बरसात में आजमगढ़ से लेकर बनारस तक आपके विकास की पूरी तरह से पोल खुल गई। आज हम इनको जगाने गए थे कि आप शीघ्र आजमगढ़ की सड़कों को दुरुस्त कर दीजिए, जहाँ गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त कर दीजिए। जल जमाव के बारे में आप कुछ ऐसी ऐसा इंजाम करें जिससे जल जमाव की समस्या दूर हो, और जो कूड़े का निस्तारण करिए, जो कूड़े इकट्ठा हो रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, इसका सिर्फ निस्तारण करिए। इसी को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी ज्ञापन की समस्या और पंचायत चुनाव में सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हलवरदार यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी से मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकारी मशीनरी चुनाव में मस्त है, लेकिन वही इसी वजह से गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भूमिका बंजर जमीनों की बात भी जिलाधिकारी से की। क्या किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, इधर सरकार चुनाव में जबरदस्ती लूटपाट कर रही है, लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है, वो चुनाव में व्यस्त है। लेकिन किसानों का जो गेहूं था, वह गेहूं क्रय केंद्रों पर जो सरकारी रेट में जाना था, वह गेहूं बिक ही नहीं पा रहा है। बिचौलिए और क्रय केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जिले के प्रशासन ने मिल करके जिस तरह से किसानों के गेहूं की लूट हुई है, पौने पौने दाम पर 1400-1500 रुपये में किसान गेहूं बेचने पर मजबूर हुआ है, इसमें हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका गेहूं अभी बाकी रह गया है उनका गेहूं खरीदा जाए। तो अधिकारी क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। और इसके बाद यह चीनी गन्ना मिल का 70 करोड़ रुपया बकाया है, किसान उससे परेशान है, वह बकाया मूल्य दिलाने की बात हम लोगों ने किया, अगर नहीं दिया जाएगा तो आने। राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के अनया खरगापुर गांव में अवैध खनन जोरों पर है। स्थानीय खनन माफिया रात में अवैध खनन करके मिट्टी पटाई का काम कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आनंद कुमार के करीबी आजमगढ़ विधायक और विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू की 40 बीघा प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से मिट्टी पटाई की गई है। आपको बताए दे कि लखनऊ में अर्जुनगंज में के प्रॉपर्टी डीलर ने भूमिहीन किसानों से सस्ते दामों में खरीदी हुई पट्टे पर अवैध खनन करके पटाई के मामले में भाजपा की नेत्री और लखनऊ जिले की पदाधिकारी निशा मिश्रा द्वारा प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। सुल्तानपुर में संचारी रोग नियंत्रण के लिए सीडीओ अतुल वत्स द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुल्तानपुर जिले में बारिश के समय में लोगों को संचारी रोगों के रोकथाम के लिए मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने खुद अभियान का नेतृत्व कर तालाब की साफ सफाई की। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में 2 विकास खंडों में 220 से अधिक सफाई कर्मचारी जेसीबी मशीन के साथ विकास खंड परिसर पहुंच गए। विकास खंड परिसर में गंदगी और झाड़ियों का अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत राज विभाग की टीम के साथ स्वयं इसकी शुरुआत कर सभी को यह संदेश दिया कि इस अभियान के अत्यंत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज हम लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान ब्लॉक बदैया के परिसर में चलाया था। 26 तारीख को हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो ये पाया गया कि बदैया में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कुछ समस्याएं थी, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक परिसर में तालाब था वो बिल्कुल फट गया था, झाड़ियाँ वगैरह उगाई थी, उसके ऊपर साफ सफाई नहीं हो रही थी, काफ़ी समय से उसको देखा नहीं गया था, उसे जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। कानपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अकेले रहने वाले हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ दबंग आए दिन मारपीट और घर पर पथराव करते हैं। एक समुदाय के लोग पीड़ित परिवार को घर छोड़ने और धर्म परिवर्तन कराने का जबरन प्रयास कर रहे हैं। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार डीसीपी साउथ ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है।
तो कानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक हिंदू परिवार था, जिन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। मैं चमन नगर राजू विहार नवस्था में रहता हूँ। वहाँ एकमात्र मेरा हिंदू परिवार घर है। वहाँ पर 70-80 मुसलमान परिवारों के बीच में उन लोगों का कहना मतलब है कि तुम गैर मुस्लिम हो, हमारी बिरादरी में तुम आकर के बीच में क्यों रहते हो? या तो यहाँ रहना है तुम्हारे बीच में, हमारे धर्म के अनुसार रहो या धर्म परिवर्तन करो, या भी मकान छोड़कर भाग जाओ, और नहीं भागोगे तो तुमको इतना मजबूर कर देगी तुम मकान। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक गर्मी का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि हवा में नमी की वजह से उमस ज्यादा है, आगामी 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसी दौरान निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि आने वाले 3 दिनों के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वहां बारिश होने की संभावना है, जिससे प्रदेशवासियों को कुछ राहत मिलेगी। सीतापुर में धार्मिक कस्बा मिश्रिक में आवासीय एरिया में खुलेआम कबाड़ की दुकानें संचालित हो रही है। इन दुकानदारों के पास कबाड़ का लाइसेंस और गाड़ियां काटने का कोई भी अनुमति नहीं है, फिर भी पुलिस संरक्षण में कस्बे के नहर चौराहा पर पुलिस चौकी के ठीक सामने सीतापुर मार्ग पर कई कबाड़ी दुकानें खुलेआम संचालित कर रहे हैं। यही कबाड़ी बिना लाइसेंस के खरीदी गई बाइकों और गाड़ियों को गैस बिल्डिंग से काट कर कबाड़ में बदल देते हैं, फिर उनके पुर्जे शहर में बेचकर माल कमा रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जा रहे हैं, वहीं सभी राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। वहीं ताज नगरी आगरा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दर्जनों लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में बसपा और भीम आर्मी के भी कई पदाधिकारी शामिल हैं। आज हमारे पार्टी कार्यालय पर तमाम बसपा छोड़कर और भीम आर्मी और भाजपा छोड़कर पदाधिकारी और उनके समर्थकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदीप कुमार हैं जो युवा भीम आर्मी के शहर उपाध्यक्ष थे। दूसरे पे जैकी आनंद जाटव हैं जो पूर्व जिला संयोजक बसपा के, और राजू सिंह जादौन जो भाजपा में रहे, इनके साथ सैकड़ों की तादाद में इनके समर्थक आज पार्टी कार्यालय पर आकर इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।